प्रयागराज के आलोक और ज्योति मौर्य का मामला अब पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये मामला अब अदालत तक पहुंच गया है। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके सफाई कर्मी पति आलोक मौर्य को प्रयागराज के पारिवारिक कोर्ट में पेश होना था, लेकिन एसडीएम ज्योति मौर्य पारिवारिक कोर्ट में पेश नहीं हुई। ज्योति मौर्य के वकील ने हाजिरी माफी की कोर्ट में अर्जी दी। आपको बता दें कि आलोक कुमार मौर्य पारिवारिक अदालत में पेश हुए थे। वहीं आलोक मौर्य के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए ज्योति मौर्य की ओर से दाखिल वाद की कॉपी मांगी। इसके साथ ही आलोक मौर्य के वकील का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। आज कुछ भी नहीं हुआ है, आज हम लोगों ने एक एप्लीकेशन डाला है कि वाद की कॉपी ये हमें प्रोवाइड कराएं और उसके बाद हम लोग जवाब लगाएंगे, जिसमें कोर्ट ने हमको 18 अगस्त का टाइम दिया है, इसके बीच में हमको वाद की कॉपी मिल जाएगी, उसके बाद हम लोग जवाब लगाएंगे। क्या है आप लोग, क्या दलील है इस मामले में? नहीं, दलील क्या है, वो पिटीशन उन्होंने फाइल किया है, जब वो हमको कॉपी मिलेगी तब तो हम जवाब लगाएंगे ना, वाद तो उनका है, तो आप पहले पढ़ें तो क्या उन्होंने दाखिल किया है, तो उसके बाद जवाब लगाया जाएगा। उनकी तरफ से आज कुछ पेश हुआ? उनकी तरफ से अभी तो कोई आया नहीं था, या उनके वकील आके डेट लेके गए। हाजिरी माफी के लिए उन्होंने कुछ ऐसा कहा? इसकी भी जानकारी नहीं, वो तो कोर्ट में जानकारी होगी। हम लोग अपना पक्ष रखना था, हम लोगों ने एप्लीकेशन डाल दिया, हमको डेट मिल गई है। क्या डेट मिली है फिलहाल? 18 अगस्त को मिली है। आपको बता दें कि ज्योति मौर्य ने पति आलोक मौर्य से अलग होने के लिए फैमिली कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। इस मामले पर आलोक मौर्य का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। और अगली जगह 18 लगी हुई है, सबसे हम लोग अपना पक्ष रख रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से आपकी पत्नी ने आप पर आरोप लगाया है दहेज का मुकदमा दर्ज करा, उस मामले में भी आपके बयान हो गए हैं, क्या कहना है आपका? सर, जैसे मेरा एक बयान अभी डीजी साहब ने जो कमेटी गठित हुई थी वहाँ पे हुआ, उसकी सच्चाई खुलने जा रही है, उसी प्रकार ये भी फर्जी मुकदमा है, ये भी बहुत जल्दी आप लोगों के सामने खुल के आ सकते हैं। सारे मुकदमे उनके फर्जी हैं, जबरदस्ती लगाए। अच्छा, आपने अपनी पत्नी पर जो आरोप लगाए थे कि वो अवैध ढंग से जो है वो कमाई भी करती है, क्या है? अभी अभी हम कोर्ट से बोल रहे हैं, कोर्ट के बाद ये कैसे तड़प रहा हूँ। तो मैं सर, वो मेरे कहने का मतलब बस ये कि मैं अपने बेटियों के लिए समझौता करने को तैयार हूँ, लेकिन जो गुनहगार है उन्होंने मेरे साथ गलत किया है। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की साल 2010 में शादी हुई थी। साल 2015 में यूपीएससी में एसडीएम के पद पर ज्योति मौर्य का चयन हुआ। ज्योति मौर्य ने एसडीएम के पद पर 16वीं रैंक हासिल की थी। एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच संबंधों में दरार आ गई। आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य पर होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से संबंध होने का आरोप लगाया था, तो वहीं ज्योति मौर्य ने पति आलोक मौर्य और उनके परिवार के लोगों पर दहेज उत्पीड़न का धूमनगंज थाने में केस दर्ज करा रखा है। दोनों के बीच विवाद का मामला सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय यूपी उत्तराखंड।